गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज प्रीपोजिशन चैप्टर। तो इस रिवीजन में देखेंगे बेटा कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता कहाँ है। तो लुक हियर, प्री पोजिशन, आप देख रहे हैं प्री प्लस पोजिशन, राइट। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम प्रीपोजिशन, मीन्स रिलेशन फ्रॉम पोजिशन, पहले से स्थान में। अब ये से प्लस जो है बेटा, मान लीजिए आई एम गोइंग टू स्कूल, अब ये आई के द्वारा जो एक्शन है टू स्कूल, ये टू जो है से, कहने का मतलब ये जो प्लस होता है यही आपका प्रीपोजिशन होता है, जो कि टू है, स्कूल से पहले जो टू लगाया। तो हम प्रीपोजिशन कहां इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पे डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजिशन और टाइम इन रिलेशन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैंने अभी क्या कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मेरे द्वारा कहां जाया जा रहा है? स्कूल। तो ये मेरे द्वारा स्कूल जाने का जो रिलेशन शो कर रहा है वो वर्ड क्या है? टू वर्ड है। अब समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन क्या कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब है कि आप क्या है, यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजिशन और टाइम इन रिलेशन, संबंध स्थापित करता है अनदर नाउन के साथ। एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन में, समझ जाइए यहां पे एक नाउन है, दूसरा नाउन यहां है, ये दोनों नाउन के संबंध जोड़ने के लिए हम कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन है। कौन कौन से वर्ड्स प्रीपोजिशन होते हैं? अब जरा एक एग्जांपल के तौर पे चित्र पर देखते हैं बेटा, हाउ टू यूज प्रीपोजिशन। अब यहां एक एग्जांपल देखो, ये चित्र में देख रहे हो, इस चित्र में देख रहे हो कुछ फोटोग्राफ्स टेबल के ऊपर में है, राइट। ये डस्टबिन टेबल के नीचे में है, चेयर बगल में है, स्टूल उसके बगल में है, अम्ब्रेला देख रहे हो उसके ऊपर टंगा हुआ है, ये उल्लू देख रहे हो, ये तस्वीर कैबिनेट के अंदर में, ये दराज के अंदर में है। अब ये उल्लू देखिए, ये दो चित्र के बीच में है, am I right? अब जरा देखिए, तो यही चीजें देखो बेटा, एड बॉक्स में दिया हुआ है ना, ऑन, बिलो, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, अबव, बिसाइड, इन। जरा ये एग्जांपल देखते हैं, इससे कुछ क्लियर होगा आपको। देखिएगा जरा, आई कैन सी अ टेबल, हम एक टेबल देख रहे हैं, देयर आर सम फोटोग्राफ कैप्ट ऑन द टेबल। अब देखो बेटा यहां पे ये जो फोटोग्राफ्स है ये स्पेस ऑक्युपाई कर चुका है, तो जब कोई चीज किसी पर रखा हुआ है और स्पेस ऑक्युपाई कर जाएगा तो आप क्या बोलोगे, वहां ऑन का इस्तेमाल करोगे, राइट। नेक्स्ट फिर चेक कीजिए, देयर इज अ बास्केट अंडर द टेबल। अब देखो यहां से भी कवर अप है, चारों तरफ से वो कवर है, चारों तरफ से नहीं कवर होके खुला है थोड़ा, तो ये अंडर है, चारों तरफ से कवर रहेगा तो इन हो जाएगा ये, एम आई राइट। ऊपर से कवर अप है तो ये आपका अंडर हो गया। नेक्स्ट है, द बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर कैप्ट अबव द स्टूल, आपके यहां पर स्टूल पर रखा हुआ है यहां पर, तो आप देखो यहां पर ये जो टिश्यू पेपर है ऊपर में है, खड़ा है ना, तो इसलिए हमने क्या लगाया, अबव। मान लीजिए फैन है तो फैन ऊपर आपके माथे पर चल रहा है, ओवर द हेड, राइट। नेक्स्ट है, द स्टूल इज बिसाइड द चेयर, अब ये चेयर के बगल में है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड, बगल के लिए इस्तेमाल करते हैं बिसाइड। द अम्ब्रेला इज बिहाइंड द चेयर, अब देखो ये अम्ब्रेला जो है पीछे है, अम्ब्रेला पीछे है कुर्सी के, तो हमने पीछे के लिए क्या इस्तेमाल किया, बिहाइंड, राइट। नेक्स्ट है, देयर इज अ कैबिनेट ऑन द वॉल, अब देखो इस दीवार पर क्या है, एक कैबिनेट अलमीरा चिपका हुआ है, अब ऑन लगा दीवाल पर, मैंने पहले बताया ना स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो वहां पर चिपका हुआ रहेगा उस पर, तो ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे,
आई कैन सी एन ऑल इन द कैबिनेट। देखो अब इस अलमीरे के अंदर में उल्लू है तो हमने क्या इस्तेमाल किया, इन। क्लियर। अब देखिए द ऑल इज बिटवीन द टू पिक्चर, तो मैंने पहले बताया कि जब दो होगा, दो के बीच में रहेंगे तो बिटवीन, राइट। दो से ज्यादा होगा तो आप क्या लगाओगे, एमंग लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, तो आप टॉफी सारे बच्चे में, दो बच्चों में नहीं सारे बच्चों में स्प्रे वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप क्या बोलते हो, सर मे यू अलाउ मी टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट या टॉफी एमंग द स्टूडेंट, तो वहां एमंग आ गया, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे द की इज हिडन बिलो द फेदर ऑफ ऑल। अब इस, मान लीजिए कि ये उल्लू है, इसके पंख के अंदर में, बिल्लो का मतलब होता है अंदर, नीचे, राइट। तो चाबी कहां छिपा हुआ है, इसके अंदर में छिपा हुआ है, तो हम क्या इस्तेमाल किए, बिल्लो। तो आई होप क्लियर हो गया बेटा यहां पे प्रीपोजिशन। आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे, ये रिवीजन था बेटा, ये क्लास 5 के बुक से रिवीजन करवाया गया आपको प्रीपोजिशन का। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू बेटा।